तो करेंगे चित्तौड़गढ़ का, जहां एक रहस्यमय पक्षी आया, उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। कहां से आया, कौन है ये पक्षी, जानने के लिए लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को भी खबर दी। काली चमकीली आंखें, भूरा सफेद शरीर, दुबक कर बैठा पक्षी, सांवरिया कॉलोनी में आया रहस्यमय पक्षी, ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। कहां से आया है ये पक्षी, देखने में आम पक्षियों से थोड़ा अलग, लोगों को देख सहमा हुआ है। सांवरिया पार्क के पास घर बनाने के काम आने वाली मिक्सचर मशीन के अंदर बैठा है। लोग इस पक्षी को देखकर घबराए, आनंद फानंद में कुछ नहीं सूझा तो वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मी आए और बोरे में लपेट कर निकाला। फाउल प्रजाति में बर्न प्रजाति होती है, अपने यहाँ लगभग 20-21 या 32 प्रजाति में से 4-5 तरह के ऑल मिलते हैं, उनमें से एक ऑल है, काफी बहुतायत में मिलता है और मुख्य रूप से जहाँ पर हैबिटेशन होता है और इसके अलावा हैबिटेशन वाले एरिया में काफी मिलता है। पहचान लिया गया पक्षी, निकला उल्लू की एक प्रजाति। घायल है ये दुर्लभ उल्लू, वन विभाग के अधिकारी ने इसे पहचान लिया और ये निकला उल्लू, लेकिन इसकी प्रजाति थोड़ी अलग है, इसे बर्न उल्लू बता रहे हैं। वन अधिकारी के मुताबिक उल्लू की 32 प्रजातियां होती हैं। इस इलाके में 4-5 प्रजातियां अधिक ही पाई जाती हैं। उसमें से ही है ये बर्न प्रजाति। पहचान हो गई तो पता चला कि जनाब घायल भी है, शायद मशीन में लगे लोहे के पंखों से घायल हो गया था। उल्लू को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया। पंख में जैसा कि आप देख रहे हो कुछ लगी हुई है, तो वेटनरी डॉक्टर इसको दिखा करके इसका इलाज कराएंगे, फिर जब पंख ठीक हो जाएगा तब इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। उल्लू को लक्ष्मी की सवारी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पक्षी को तांत्रिक क्रियाओं में काफी उपयोग किया जाता है, ऐसे में इस विचित्र पक्षी को देखकर लोगों का डरना लाजमी है। दीपक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा न्यूज ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।